और आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी। कहते हैं कि जिंदगी में कई ऐसे किस्से होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही पढ़े जाते हैं। कई ऐसे किस्से और कहानियां होती हैं जिन्हें पढ़ के हर किसी के जहन में कई सवाल उठते हैं। इसी किस्से और कहानियों के बीच अपनी ताउम्र को बिता दिया बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और सदाबहार रेखा ने। जी हाँ, रेखा का जीवन यूं तो दूर से हर किसी को चमकता हुआ दिखाई देता होगा, पर आपने ये कहावत सुनी होगी कि हर चमकता चेहरा, हर चमकती चीज सोना हो ये जरूरी नहीं। जिस तरीके से रेखा की जिंदगी में उन्हें तमाम उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, उन्हें तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी, वो यकीनन ही सिर्फ रेखा जानती है। रेखा ने अपनी जिंदगी में जिसे चाहा वो उन्हें कभी नहीं मिला, ये तो आप सभी जानते हैं। रेखा का प्यार अमिताभ। जी हाँ, सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने प्यार भरे लम्हों को एक समय में बिता तो रहे थे, मगर परिवार के आगे अमिताभ को रेखा को छोड़ना पड़ा ये किस्सा काफी पुराना है, ये सिलसिले काफी पुराने हैं। फिल्म सिलसिला के दौरान भी अमिताभ, रेखा और जया की कहानी को दिखाया गया। कुछ कहानियां हमने जिस तरीके से कहा कि सिर्फ किताबों में ही लिखी जाती हैं, कुछ ऐसी ही कहानी रेखा की जिंदगी बन गई। यकीनन ही आप सभी जानते हैं कि रेखा की उम्र जहां पर आज 64 इयर्स है, तो आज भी रेखा उस प्यार के लिए तरस रही है। आज भी रेखा अपने जीवन साथी के लिए तरस रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेखा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ी, हालांकि ऐसा नहीं है कि रेखा ने किसी से शादी नहीं की। रेखा अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ी और उन्होंने शादी भी की। ये आप सभी जानते हैं कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी, मगर विनोद और रेखा का ये प्यार भी यूं खत्म हो जाएगा रेखा ने नहीं सोचा था। जहां से जिंदगी रेखा ने शुरू की विनोद मेहरा के बाद जिंदगी दोबारा उन्हें वहां ले आई। हर पल आप अब भी रेखा के माथे पर लगा वो सिंदूर देखते हैं जो हमेशा से ही एक कॉन्ट्रोवर्सी को उठाता है कि आखिरकार रेखा किसके नाम के सिंदूर को लगाती है, आखिरकार रेखा की मांग में सजा सिंदूर किसके नाम का है। दरअसल आपको बता दें कि ये कॉन्ट्रोवर्सी तो बीते सालों से बरकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा। हालांकि रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगा रखा था और मंगलसूत्र भी पहना हुआ था। ये किस्सा काफी पुराना है, मगर जिक्र यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रेखा के मांग में लगा सिंदूर का सच आप तक पहुँचा सके। दरअसल आप सभी को बता दें कि फिर इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन भी परिवार के साथ शामिल हुए थे। यहाँ सफेद साड़ी, लाल बिंदी, सिंदूर में रेखा को देखकर सब हैरान हो गए। हालांकि इस पर सफाई देते हुए रेखा ने भी कहा था कि वो सीधे शूटिंग से शादी में आई थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के गेटअप का हिस्सा था जो वो निकालना भूल गई। आज भी रेखा को आप सभी उनके मांग में सिंदूर देखते हैं। रेखा आज भी कांजीवरम साड़ी में बालों में गजरा लगाए देखी जाती है। ये सवाल तो कई सालों से उठ रहा है, ये सवाल तो कई बरसों से, इसका जवाब जनता जानना चाहती है, फैंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस शख्स के नाम का सिंदूर लगाती है रेखा। दरअसल आप सभी को बता दें कि एक अनुमान और एक कयास लगाए जाते हैं कि आज भी रेखा की मांग में सजा ये सिंदूर किसी और का नहीं बल्कि अमिताभ का है, क्योंकि रेखा ने अमिताभ से बेशुमार मोहब्बत की थी। अमिताभ भी रेखा से खूब मोहब्बत करते थे, मगर परिवार की मजबूरियों के आगे इन दो प्यार के पंछियों को बिछड़ना पड़ा। उसके बाद रेखा ने शादी तो की, मगर दिल और जहन में अमिताभ ही रहे। रेखा आज अकेले अपने आशियाने में रहती हैं, मगर मांग का वो सिंदूर आज भी उन्हें अमिताभ की याद पल पल दिलाता होगा।